सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असावट फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिन, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना आहियो, असा सा हजारे सिंधी परिवार जोड़ेल आहिन। पेड मेंबर्स जे लाए फ्री रिश्तो मीट, एक कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सा गड, तपो इंतजार छाजो, खणो फोन ए कांटेक्ट कयो रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जब इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करेंगे तो जनता दुखी होती है। पहले उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए थे और आज विधान भवन के अंदर विरोधी पक्ष नेता के पद पर बैठे हुए अजीत पवार ने जो छत्रपति महाराज के लिए अपशब्द कहे हैं, संभाजी महाराज के लिए कि वो धर्मवीर नहीं है, तो कौन है धर्मवीर फिर? महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। पूरे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हर एक जिले के अंदर, गाँव के अंदर, शहर के अंदर उसका निषेध किया है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि लोग खुद निकल करके अजीत पवार का निषेध कर रहे हैं। हमारी मांग यही है, अजीत पवार ने महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जाहिर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने यह पद जो बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं उससे राजीनामा देना चाहिए। जब आप इतिहास की जानकारी नहीं रखते, जब आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आपको ऐसे उच्च पदों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका पूर्ण रूप से निषेध करती है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता अजीत पवार को और उनके पार्टी को माफ नहीं करेगी। धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। कुछ दिन पहले राज्यपाल ने भी अपशब्द वापरा था, उस टाइम पे भाजपा ने क्यों नहीं निषेध व्यक्त किया था? ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि राज्यपाल ने कोई अपशब्द कहे थे। उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे संघ के कार्यकर्ता हर एक शब्द सोच समझ कर बोलते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, इतिहास की जानकारी रखते हैं। तो मैं आज यहाँ पर और पूरा महाराष्ट्र आज, कल और आज दो दिन से निषेध व्यक्त कर रहा है। उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कि मेरे से गलती हुई है, क्षमा मांगना कोई गलत नहीं है, जनता से माफ़ी मांगना गलत नहीं है कि मैंने अब शब्द कहे हैं, संभाजी महाराज हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उनके लिए अगर कोई अपशब्द कहेगा तो हम रास्तों पर जरूर उतरेंगे। अजीत पवार को राजीनामा देना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।